आज हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल एब्रीविएशन के बारे में, ठीक है। चलिए, गुणसूत्र क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके हमारे और हर किसी के सेल में, कोशिका में ऐसे 46 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि 23 अलग अलग जोड़े में होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं। इन 23 पेयर्स में से अगर हम देखें तो फीमेल में, है ना, फीमेल में आपको देखने के लिए मिलेगा कि सारे के सारे 23 पेयर जो होते हैं ये ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स का मतलब होता है एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जब मेल की हम बात करते हैं तो मेल में हमें देखने के लिए मिलता है 22 ऑटोजोम और एक विषम देखने के लिए मिलता है, एक हेट्रोजोम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ऑटोजोम्स मतलब क्या बोल रहे हैं हम, कि जो जोड़े होते हैं वो जोड़ों के दोनों क्रोमोजोम एक जैसे होते हैं। और हेट्रोजोम मतलब हम क्या बोल रहे हैं, कि इन दोनों में दोनों क्रोमोजोम अलग-अलग होते हैं। देखिए, मैंने फीमेल में क्यों कहा 23 क्रोमोजोम ऑटोजोम होते हैं, क्योंकि जो 23वां क्रोमोजोम होता है जिसको कि हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, फीमेल में वो एक्स और एक्स होता है और मेल में वो एक्स और वाई होता है। इस एक्स और एक्स क्रोमोजोम का मतलब है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स और इस एक्स और वाई क्रोमोजोम का मतलब है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, यहां पर फीमेल में आपको दिख रहा है एक्स और एक्स, मतलब ये भी समान है, इसलिए मैंने 23 पेयर ऑटोजोम्स कहा, एक समान कहा। लेकिन जब मेल की बात आई तो मेल के कंडीशन में आप देखिए, एक आपको मिल रहा है एक्स और वाई, मतलब हेट्रोजोम मिल रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपने ये जो मैंने डायग्राम लगाया है इस तरह का, कोई डायग्राम कभी देखा है इस तरह का? कोई डायग्राम आपने कभी देखा है, नेट पे, बुक्स में, टीवी में, कभी देखा है आपने? यस शीतल, देखा है आपने, वेरी गुड। किस चीज का डायग्राम है ये? बुक्स में था। किस चीज का डायग्राम है भैया? ये डायग्राम है क्रोमोसोम्स का, बिल्कुल सही है। ये डायग्राम है जब आपके क्रोमोसोम्स को एक पेयर में अरेंज किया जाता है, एक जोड़े में अरेंज किया जाता है, तो ये डायग्राम देखने के लिए मिलता है। और इस जोड़े को स्टडी करके आप ये बता सकते हैं कि क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो है या गुणसूत्रों की जो अरेंजमेंट है वो आपके बॉडी में बराबर है कि नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको पता है कि सारे के सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगे, भौतिक चीजें निकल करके आएंगी। तो यहां पर हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये सभी सही है, और अगर नहीं है तो इसमें क्या समस्या है या कहां पे समस्या है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में किस प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है? तो यहां आप देखिए, हर जगह पे पेयर्स दिख रहे हैं, जोड़े दिख रहे हैं। जैसा अभी हमने बताया कि क्रोमोसोम्स जोड़े में होते हैं, तो हमेशा यहां आपको जोड़े दिख रहे हैं। समस्या कब खड़ी हो जाएगी? जब ये दो की जगह तीन हो जाए कहीं, या दो की जगह मात्र एक बचे। तो जब दो की जगह मात्र एक बचता है तो इसको हम कहते हैं मोनोसोमी, एक सूत्रता, एक सूत्रता, एक गुणसूत्र की अनुपस्थिति। और जब तीन हो जाता है तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी, त्रिसूत्रता, एडिशनल ऑफ वन क्रोमोजोम। ये दो बातें समझ में आई? मोनोजोमी, एक सूत्रता, मतलब एक क्रोमोजोम एब्सेंट है, एक ही क्रोमोजोम है। और ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोजोम एडिशनल आ गया है, ये तीन क्रोमोजोम है। ये ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती है, ये कभी कभी होती है, इसलिए इसको हम विकार कह रहे हैं, इसको हम प्रॉब्लम कह रहे हैं, ठीक है। ये दो बातें समझ में आई आपको, मोनोसोमी और ट्राइसोमी? तो हम कुछ इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गुड,
चलिए आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो क्रोमोसोमल एब्रिविएशन मैंने लिखा है वो हमारे स्लाइड में है। इसका नाम हमने दिया है डाउन सिंड्रोम, ठीक है? ये ऊपर चला गया है, डाउन सिंड्रोम। अभी मैं इसको रीसेट कर दूंगा। इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इसका नाम डाउन सिंड्रोम क्यों है? क्योंकि इस सिंड्रोम को, इस समस्या को सबसे पहले जो है डाउन नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था। यहां पर हम जितनी भी समस्याओं के बारे में या जितने भी विकार के बारे में पढ़ेंगे, इसको जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा है उसके नाम से इसका नाम रख दिया गया है। तो इसका नाम है डाउन सिंड्रोम। क्या हो रहा है इसमें? तो ये देखिए, क्रोमोसोम नंबर 21, 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जा रहा है। ट्राइसोमी का मतलब दो की जगह तीन क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलेगा। 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी है। किसने ढूंढा? डाउन नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा, लैंगडॉन डाउन ने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? इसमें आपको व्यक्ति जो दिखाई देगा वो व्यक्ति बौना दिखाई देगा। उसका सिर जो है वो गोल होगा। उसकी जीभ जो है आपको बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देगी। उसका मुख जो है, उसका माउथ जो है वो आंशिक रूप से खुला हुआ दिखाई देगा। उसके पाम जो है, हथेली जो है वो आपको चौड़ी दिखाई देगी। उसका मानसिक और शारीरिक विकास अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम होगा। क्लियर है? अब फिर से एक बार देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम कब होता है? जब 21वें क्रोमोसोम 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब एक क्रोमोसोम एडिशन आ जाता है। इस स्थिति में जो व्यक्ति होता है या जो बच्चा इस स्थिति में पैदा होता है वह छोटा होता है, बौना होता है, उसका राउंड हेड होता है, उसकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई होती है, उसका माउथ, उसका मुख खुला हुआ होता है, उसकी हथेलियां चौड़ी होती हैं, उसका शारीरिक और मानसिक विकास, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं नहीं होता है। क्लियर है? 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन बना के आ सकता है कि भाई डाउन सिंड्रोम बताइए क्या होता है। तो क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, लिखेंगे ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? क्लियर है क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं? सबसे पहली बात, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। दूसरी बात, डाउन नाम के वैज्ञानिक ने ढूंढा। तीसरी बात, व्यक्ति बौना होगा, स्टंट टाइप स्टंट होगा, इसका सर गोल होगा, जीभ बाहर निकली होगी, माउथ खुला होगा, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में आगे बढ़े। बताइए भाई कौन है? भूमिका, भूमिका आ गई, गुड। शीतल, दीपिका, गुड। दीपिका आज आपने क्लास लेट किया, क्लियर है? चलिए गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला जो मेरे पास में है यह है क्लिनफिचर सिंड्रोम। इसको फिर से एक साइंटिस्ट ने निकाला या ढूंढा, पहली बार देखा। इस साइंटिस्ट का नाम था क्लिनफिचर, तो इसको नाम पे हमने क्या रख दिया? क्लिनफिचर सिंड्रोम, ठीक है? अब ये कब होता है? ये होता है जब 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम, 23वां पेयर, जिसको कि हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, इस सेक्स क्रोमोजोम की ट्राइसोमी हो जाए। फिर से देखिए, ट्राइसोमी हो जाए किसकी? 23rd पेयर की। तो जब सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लिनफिचर सिंड्रोम, ठीक है? अब देखिए इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। यदि पूरी तरह से एक्स और एक्स होता तो ये कंप्लीटली फीमेल देखने के लिए मिलता। यदि पूरी तरह से एक्स और वाई होता तो ये कंप्लीटली हमें मेल देखने के लिए मिलता। लेकिन यहां क्या देखने के लिए मिलता है? यहां देखने के लिए मिलता है एक्स, एक्स और वाई। मतलब
ये जो इंडिविजुअल होगा, इस इंडिविजुअल में मेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और इस इंडिविजुअल में फीमेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और फीमेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा होगा जिसमें वास्तव में तो ये मेल है, बट इसमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो गए हैं, ठीक है? जैसे मस्कुलर ग्लैंड्स का डेवलप होना, है ना, इनके वॉइस में डेवलपमेंट होना, ठीक है? तो ये सारे डेवलपमेंट आपको यहाँ पे फीमेल के भी इनमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? ये स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं मतलब ये अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाते हैं, है ना, स्टेराइल होते हैं ये, ठीक है? इसको हम कहते हैं क्लीन फीचर सिंड्रोम। जो आप पढ़ते हैं, हम लोग आज की डेट में एक थर्ड जेंडर जैसे अपन पढ़ते हैं, वो थर्ड जेंडर बेसिकली क्लीन फीचर सिंड्रोम का रिजल्ट होता है, ठीक है? तो ये एक बायोलॉजिकली किसी प्रकार का मिसमैच है जिस कारण से ये ऐसा होता है, ठीक है? इसमें किसी का कोई अपना वो नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये बायोलॉजिकली है। आप ये कह सकते हैं कि गॉड की देन है ये, है ना? चलिए, क्लियर है क्लीन फीचर सिंड्रोम। 5 नंबर में फिर से पहला पॉइंट, सेक्स क्रोमोजोम 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम की ट्राइसोमी होती है। दूसरा पॉइंट, इसका जो क्रोमोजोमल मार्कअप होता है वो एक्स एक्स वाई होता है, और क्योंकि एक्स एक्स वाई है इसलिए इसके टोटल क्रोमोजोम जो हो जाते हैं 46+1 हो जाते हैं। यहां पर मेल डेवलपमेंट होता है बट विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट होता है, ठीक है जी? सिंपल सा क्लीन फीचर सिंड्रोम, बताइए क्लियर है बात यहां तक? क्लीन फीचर सिंड्रोम क्लियर है? गुड, भाग्य लक्ष्मी को क्लियर है भाई। बाकी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, जिस भी बात पर जहां पर भी आपको क्लियर है रिस्पॉन्ड कीजिए, नहीं है क्लियर फिर से रिपीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अगला देखते हैं हम। अगला जो हमारे पास है ये भी हमारे सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, और ये अलग है क्योंकि यहां पर अभी तक जो आपने देखा डाउन सिंड्रोम, क्लीन फीचर सिंड्रोम, इसमें आपको देखने के लिए मिला ट्राइसोमी, यहां पर देखिए हमें देखने के लिए मिलेगा मोनोसोमी। ये है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है? ये है हमारा टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर नाम के वैज्ञानिक ने इसे ढूंढा था। इस सिचुएशन में क्या होती है, कंप्लीट एक्स एक्स होता तो ये फीमेल होती, लेकिन कंप्लीट एक्स एक्स ना होकर के यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, एक्स और एक क्रोमोसोम गायब है। तो गायब को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब ये फीमेल है बट कंप्लीटली डेवलप्ड फीमेल नहीं है। ये फीमेल है लेकिन इसमें फीमेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट नहीं होंगे। इनकी जो ओवरी होती है ये ओवरी कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होती है, और इस कारण से इनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, द्वितीय लैंगिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, और ये कंप्लीट फीमेल या अपन ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से डेवलप्ड फीमेल नहीं होती है, ठीक है जी? इनके क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, तो जैसा हमने कहा अभी कि एक क्रोमोसोम क्योंकि कम है इसलिए इनके क्रोमोसोम की जो संख्या होगी वो 45 हो जाती है। जैसे क्लीन फीचर में आपने देखा 47 हो जाती है, वैसे यहाँ पे ही 45 हो जाती है। अब यहां पर देखिए आपको एक कंपैरिजन आ सकता है, तुलना आ सकती है क्लीन फीचर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में 5 नंबर का बना करके। पहला पॉइंट, दोनों को मैं तुलनात्मक रूप से या कंपेयर कर लेता हूं। पहला पॉइंट, क्लीन फीचर सिंड्रोम में ये सेक्स क्रोमोसोम 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, जबकि टर्नर सिंड्रोम 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम की मोनोसोमी है। क्लीन फीचर सिंड्रोम में
जो जेनेटिक मार्कअप होगा वो एक्स एक्स वाई का होगा, और टर्नर सिंड्रोम में जो जेनेटिक मार्कअप होगा वो मेरा एक्स और जीरो का होगा। क्लिनफिचर सिंड्रोम में जहां टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 47 होंगे, वहीं टर्नर सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 45 होंगे। क्लिनफिचर सिंड्रोम में मेल है विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्नर सिंड्रोम में फीमेल है बट विथ अनडेवलप्ड, पूर्ण रूप से विकसित फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसा बन सकता है, इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है, ये कंपैरेटिव भी पूछा जा सकता है, और 11 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा भी बना के दे दिया जा सकता है कि बताइए जेनेटिक एब्रीविएशन के बारे में। ये क्वेश्चन प्री के हिसाब से भी बन सकता है, ये क्वेश्चन मेंस में 3 नंबर का एक वर्ड का क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई जेनेटिक मार्कअप है एक्स और जीरो, बताइए ये कौन सा सिंड्रोम है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है यहां तक? हाँ भाई, मेरी बात यहां तक समझ में आई आप लोगों को? अंकित, भाग्यलक्ष्मी, भूमिका, दीपिका, पीयूष, शीतल, विशाल, भूमिका, गुड, पीयूष आज आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कहाँ है भाई? अंकित का भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। चलिए अंकित, एक क्लास भी लेट आए हो आज आप और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हो। हाँ भाई अंकित, आ रहा समझ में? चलिए अगला एक और देखते हैं हम, अगला एक और देखते हैं इसी क्रोमोसोमल एब्रीविएशन से। इसका नाम है पटाउ सिंड्रोम। इसको जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा उसका नाम था पटाउ, तो इसलिए इसको हमने इसके नाम पर रख दिया पटाउ सिंड्रोम। ये भी ट्राइसोमी है लेकिन किस पेयर का? 13वें पेयर का, 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम का। ठीक है, इसके कारण इस व्यक्ति के शारीरिक विकास में, फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज आ जाती है। इसका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है, इसका स्पाइनल कॉर्ड बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो तंत्रिका प्रणाली होती है, मस्तिष्क और इसके स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होते हैं। इनके आईज जो होते हैं ये बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं होते हैं, आंखें, और क्योंकि ये बेसिक लाइफ सपोर्टिंग फंक्शंस इनके बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होते हैं, इसलिए ओनली 5% to 10% सर्वाइव। मैक्सिमम कुछ ही वर्षों में, या ऐसा कह सकते हैं कुछ ही मंथ में ये बच्चे जो होते हैं ये एक्सपायर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बेसिक सपोर्ट फंक्शन ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, इनका ही बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पटाउ सिंड्रोम 13वें 13th क्रोमोसोम का ट्राइसोमी पेयर है। इसमें मेंटल या फिर आप कह सकते हैं ब्रेन का डेवलपमेंट, हार्ट का डेवलपमेंट, स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट, इन सब का डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए इनके जीवन काल, इनकी सर्वाइबिलिटी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है। ठीक है, चलिए एक बार फटाक से मैं चारों को देख लेता हूं, रिवाइज कर लेता हूं। मेरे पास चारों जो ऑप्शन थे कंपेरेटिव फॉर्म में, सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, फिर क्लिनफिचर सिंड्रोम, फिर टर्नर सिंड्रोम और फिर पटाउ सिंड्रोम। डाउन में 21st में, 21वें में ट्राइसोमी, क्लिनफिचर में 23वें में ट्राइसोमी, टर्नर में 23वें में मोनोसोमी, और पटाऊ में 13वें में
ट्राइसोमी, ठीक है। एक चीज कॉमन है डाउन में, पटाऊ में, शारीरिक, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी है। डाउन सिंड्रोम में आपको स्टंट बेबी दिखाई देगा, बौना दिखाई देगा, हेड राउंड दिखाई देगा, जीभ बाहर की तरफ दिखाई देगा, ठीक है। क्लिनफिचर सिंड्रोम में मेल है विथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल ऑल्सो, मेल डेवलप हुआ है लेकिन इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या भौतिक विशेषताएं फीमेल की भी डेवलप हो गई। टर्नर सिंड्रोम में फीमेल है बट इसमें पूर्ण रूप से फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हुई। पटाऊ सिंड्रोम में हार्ट के, ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये बहुत लंबे समय तक नहीं जी सकते, ठीक है जी। कंपेरेटिव भी मैंने चारों को आपको कंपेयर करके बता दिया। क्लियर है ये चारों आपको? चारों कंडीशन क्लियर है? ये चार पांच ही पढ़ने, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने हैं हमें, है ना। ढूंढ ढूंढ करके अब अलग अलग नहीं पढ़ते बैठ जाना। चलिए अब यहां पर देखिए, एक क्वेश्चन में और डिस्कस कर लेता हूं जो कि पिछले साल तक पूछा जाता था, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आपने वैसे तो ये पढ़ रखा होगा, जो भी बायो बैकग्राउंड के हैं वो पढ़ रखा हो, वो पढ़ रखे होंगे, लेकिन जो नहीं है उनके लिए एक बार जस्ट शॉर्ट में हम देख लेते हैं। ह्यूमन में, मनुष्यों में सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग का निर्धारण कैसे होता है, चलिए मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ। वो पॉइंट मैं स्लाइड में ऐड नहीं कर पाया हूँ। तो देखिए, हमें पता है कि फीमेल में जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है वो एक्स और एक्स का होता है, और मेल में यही चीज एक्स और वाई का होता है। जैसा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है मेंडल का, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये एक्स के रूप में एक आ जाएगा और ये दूसरा एक्स के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक एक्स के रूप में आ जाएगा और दूसरा जो है ये वाई के रूप में आ जाएगा। संभावना पहली ये हो सकती है कि ये वाला एक्स और ये वाला एक्स दोनों मिले और ये जो रिजल्ट बना करके देंगे, ये रिजल्ट होगा एक्स और एक्स का, यानी फीमेल बेबी। ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिल जाए तो भी रिजल्ट क्या निकल के आएगा, एक्स और एक्स का फिर से फीमेल। ये वाला एक्स, ये तीसरा वाला एक्स और यहां से ये वाला एक्स, सॉरी ये वाला वाई मिले, कंडीशन क्या बनेगी, एक्स और वाई यानी मेल की। ये वाला एक्स और यहां से वाई आ जाए तो ये फिर से बनेगा एक्स और वाई, कंडीशन मेल की। मतलब यहां पर दो चीजें देखिए, सबसे पहली चीज तो 50% संभावना, है ना, चार में से दो यानी 50% संभावना, 50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल बेबी की, और 50% प्रोबेबिलिटी, अगला 50% संभावना जो है ये फीमेल की। दूसरी चीज, सेक्स का डिटर्मिनेशन ये मेल के द्वारा हो रहा है ना कि फीमेल के द्वारा, बिकॉज जो वाई क्रोमोसोम है वही सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है। जहां पर वाई मिल जा रहा है वो मेल है और जहां एक्स मिल रहा है वो फीमेल है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन मेल के द्वारा होता है ना कि फीमेल के द्वारा। तो पिछले साल तक ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता था, इस साल ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज ह्यूमन, किस पर डिपेंड करता है, मेल क्रोमोसोम पर, ठीक है। कंडीशन 50% मेल बेबी की होती है और कंडीशन 50% फीमेल बेबी की होती है। दोनों कंडीशन संभव है, डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट सक्सेसफुली कर पाया है, ठीक है जी। क्लियर है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये डायग्राम जरूर बनाइएगा एक्स और वाई वाला, ये डायग्राम एक्स और वाई वाला जरूर बना करके दीजिएगा।
व्हाट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? ठीक है जी विशाल, और कोई डाउट यहां तक? चलिए समझिए क्या होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं, ये वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जन्म से होते हैं, जन्म से होते हैं। लेकिन जैसे 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 हमारा डेवलपमेंट होते जाता है, हमें देखने के लिए मिलता है मोर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट होता है। जैसे मेल में आप देखेंगे, मेल में आपको देखने के लिए मिलेगा मस्कुलाइन हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाना, है ना। फीमेल में उसी तरह से आप देखेंगे तो फीमेल्स में भी मस्कुलाइन हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाना, ये जन्म से नहीं होता है, ये समय के साथ साथ होता है। मेल्स में आप देखेंगे तो वॉइस में डेप्थ आ जाना, वॉइस जो है ये थोड़ा सा आपका लाउड हो जाता है। फीमेल में समय के साथ साथ वॉइस में पिचनेस आ जाती है। मेल में सीमेन का प्रोडक्शन चालू होने लगता है जिसको प्यूबर्टी की स्टेज कहते हैं। फीमेल में ओवरी में ओवा का प्रोडक्शन चालू, देखिए मेल में भी आप देखेंगे तो टेस्टिस जो आपका सेक्सुअल ऑर्गन है वो प्रेजेंट तो जन्म से है लेकिन सीमेन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये आपका एक स्पेसिफिक एज के बाद चालू होता है जिसको कि आप प्यूबर्टी कहते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फीमेल में ओवा बचपन से है लेकिन इस ओवा से ओवरी सॉरी ओवरी बचपन से है लेकिन इस ओवरी से ओवा का जनरेशन ये बचपन से नहीं हो रहा है, ये एक स्पेसिफिक एज के बाद चालू हो रहा है, इसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। प्राइमरी जो बचपन से होते हैं और सेकेंडरी जो समय के साथ 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 डेवलप होते जाते हैं। ठीक है भाई विशाल, विशाल मेरी बात क्लियर है आपको? चलिए गुड। चलिए तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है, मैं एक बार फटाक से रिकैप कर देता हूं। अभी तक जो हमने देखा है इसमें हमने देखा मेंडल का एक्सपेरिमेंट, दूसरी बात इसमें हमने देखी मेंडल के लॉ, तीसरी बात हमने देखी डीएनए का स्ट्रक्चर, फिर हमने देखा म्यूटेशन, म्यूटेशन में हमने देखा क्रोमोसोमल एब्रीविएशन और हमने देखा जेनेटिक एब्रीविएशन। अब अगला जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है वो है एक नया ही टॉपिक जिसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये हम आज नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आज में हम खत्म नहीं कर पाएंगे और इसका लिंक नहीं तोड़ सकते, एक ही दिन का पूरा पूरा टॉपिक है तो हमें लिंक में ये समझ में आएगा। ठीक है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि कैसे हम डीएनए कहीं से निकालते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं और कैसे कहीं पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होती है। ठीक है जी, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई, आज की क्लास आपको क्लियर है, जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े थे, अंकित, भाग्यलक्ष्मी, भूमिका, दीपिका, पीयूष, शीतल, विशाल, ठीक है। चलिए तो फिर आज शाम की क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कवर करेंगे। ठीक है चलिए, बाय दैट टाइम अपने नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी, चलिए कोई डाउट यहां तक नहीं है? यहां तक कोई डाउट? अगर डाउट है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। क्लियर है सर? ओके गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं हम शार्प 9 PM। ठीक है चलिए, थैंक यू वेरी मच।